आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो भाई, हमें इस क्वेश्चन में बोला था इंटीग्रल, ठीक है, 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 ए कॉस एक्स प्लस 1 डी एक्स, जब ए लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अपन देखें तो इंटीग्रल जो है, लेट अपन आई मान लेते हैं, सो आई जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा 0 से पाई, ठीक है, 1 अपॉन यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, सो ए स्क्वायर माइनस 2 ए कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 और ये dx, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। सो यहाँ से अपन देखें तो ये हमारा क्या जाएगा, सो यहाँ पे अपन क्या लिख पाएंगे, cos x को, cos x को अपन यहाँ पे लिखते हैं, सो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ऐसा अपन लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई, ठीक है, 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a और ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और ये प्लस 1, ऐसा कुछ आ गया और ये dx। तो यहाँ से अपन देखें तो फर्दर ये हमारा क्या बन जाएगा, सो इंटीग्रल यहाँ पे आ जाएगा 0 से पाई और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है ऊपर चला जाएगा, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइड बाय यहाँ पे बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और ये माइनस 2a और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a tan square x by 2, सो 2a tan square x by 2 और प्लस 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस फिर से tan square x by 2, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पे, सो tan square x by 2 और ये हमारा क्या आ गया dx। सो अब इसको अपन फर्दर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा, सो ये बन जाएगा हमारा, इसको अपन सॉल्व करें तो उसके लिए अपन tan x को tan x by 2 को अगर t पुट कर दें, ठीक है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट बोथ साइड करें तो हमें क्या मिलेगा, सो ये मिल जाएगा sec स्क्वायर x by 2, ठीक है, और x by 2 का डिफरेंशिएशन सो 1 by 2 और ये dx, सो दिस इज इक्वल टू dt मिलेगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर x by 2 dx जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, ठीक है। सो इसको फर्दर देख तो ये बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर x by 2 dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स dt, ठीक है। अब यहाँ से अपन इंटीग्रल की लिमिट देख लें तो जब हमारा यहाँ पे x अगर 0 है तो उस समय t भी हमारा 0 आ जाएगा और जब x हमारा यहाँ पे पाई है, ठीक है, सो x जब पाई है तो tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, सो यहाँ पे t हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, अब यहाँ से अपन देखें तो 0 से इन्फिनिटी, ऊपर में हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 को अपन 2 dt लिख सकते हैं, सो 2 टाइम्स dt होल डिवाइड बाई, यहाँ पे अपन देखें तो ये a स्क्वायर, ठीक है, सो ये है a स्क्वायर और ये 1 प्लस यहाँ पे t स्क्वायर बन गया हमारा, यहाँ पे हमने क्या किया a स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1 प्लस t स्क्वायर लिखेंगे। अब माइनस यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे हमारा क्या है, सो 2a tan स्क्वायर एक्स बाई, तो यहाँ पे अगर हमने 2a को कॉमन लिया तो 1 माइनस t स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, यहाँ से हमारा क्या बना, सो यहाँ पे हमने क्या किया बेसिकली, तो यहाँ पे प्लस 2a, ठीक है, सो प्लस 2a हमारा कॉमन आया है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ये हमारा माइनस 1 और ये हमारा टी स्क्वायर, ठीक है, तो अपन यहाँ से लिखें, सो माइनस 2a बेसिकली हमने कॉमन लिया मान लो, ठीक है, तो माइनस 2a कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, अब यहाँ से हमारा फिर लास्ट में क्या बचा, सो 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, सो 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। सो फर्दर अपन देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी और ये हमारा आ गया dt होल डिवाइड बाय, यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, फिर ये माइनस 2a माइनस 2a और ये हमारा यहाँ पे प्लस 1, कॉन्स्टेंट हमारा ये रहा, t वाला टर्म क्या क्या बनेगा, सो प्लस यहाँ पे अपन क्या करें, सो ये बन जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर, फिर यहाँ पे बन जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 2a t स्क्वायर और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सो प्लस t स्क्वायर, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, सो ये 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी dt होल डिवाइड बाय ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर हमने t स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 बचेगा, यानी कि a प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन a माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 0 से इन्फिनिटी dt होल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बचेगा, सो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर और ये बन जाएगा a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो बेसिकली इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अब
अब यहाँ से अपन देखे तो ये बन गया 2 अपॉन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी इसमें कॉमन ले लेते हैं अपन क्या, सो यहाँ पे अगर ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले तो ऊपर में आएगा ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे बचेगा ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन यहाँ पे बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 इसका होल स्क्वायर और प्लस ये बचेगा टी स्क्वायर। अब ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है ये इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ से अपन देखें तो पहले हमारा ये कैंसिल हो रहा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये बचा 2 अपॉन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, सो इसका इंटीग्रल होता है हमारा 1 अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन ए लिखेंगे अपन बेसिकली, तो 1 अपॉन ए और ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, क्या बनेगा टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे टी अपॉन ए, ए हमारा क्या बन जाएगा, सो ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1, ठीक है। और ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पे लिमिट जो रहेगा वो 0 से इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। इसको अपन फर्दर देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, सो 2 अपॉन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बचा हमारा ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे अपन लिमिट का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखें तो ये 10 इनवर्स इन्फिनिटी तो होता है पाई बाई 2 और 0 रखेंगे तो 0, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ से हमारा ए प्लस 1 से ए प्लस 1 कैंसिल हो गया, सो 2 अपॉन ये बचा हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा और ये पाई बाई 2, सो 2 से 2 फिर कैंसिल, तो ये आ गया पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।